जंगल में एक बड़ी सी नदी के किनारे लूसी कबूतर वड़ा पाव बेचने का व्यापार करती थी। वो अपने वड़ा पाव के व्यापार से बहुत खुश थी। एक दिन उस गांव के मुखिया ब्रूसली चील और मही उससे मिलने आए। लूसी, तुमने इस महीने के पैसे नहीं दिए। सेठ जी, इस महीने बहुत तंगी चल रही है, आपको मैं अगले महीने 2 महीने के पैसे एक साथ दे दूंगी। क्या कहा, 2 महीने का एक साथ ले? अब बहुत हुआ तुम्हारी चिकनी चुपड़ी बातों में फंसना, चुपचाप अपनी पैसों की पेटी खोलो और हमें पैसे दे दो। सच में मेरे पास पैसे नहीं है। सच में नहीं है? अभी बताती हूँ। ये कहकर मही जबरदस्ती लूसी के पास वाली पेटी लेकर उसे खोलकर उसमें से सारे पैसे ले लेती है। लूसी ने उन्हें रोकने की कोशिश की। अपना मुंह बंद रखो। ब्रूसली चील और मही वहाँ से चले जाते हैं। ये सब कुछ होते हुए उसकी सहेलियाँ डोरा और टोनी चिड़िया देख रहे थे। लूसी, ये मैं क्या देख रही हूँ? कैसे निर्दयी लोग रहते हैं तुम्हारे गाँव में। वैसे भी भला तुम्हें उन्हें पैसे देने की क्या जरूरत है? एक अकेली औरत को मेहनत करते देख भी भला दूसरी औरत उस पर ऐसा अत्याचार कैसे कर सकती है? घृण आती है मुझे। नहीं नहीं टोनी, उनके बारे में ऐसा मत कहो, वो बहुत अच्छी है। ये तुम क्या कह रही हो? उसने जबरदस्ती तुम्हारी मेहनत की कमाई छीन ली और तुम कहती हो वो अच्छी है? यूं वो दोनों बात कर रहे थे कि तभी वहाँ पर मही आई। लूसी, मुझे एक प्लेट वड़ा पाव देना। हाँ मैम साहब, मैं अभी देती हूँ। लूसी ने तुरंत उसे एक प्लेट वड़ा पाव दे दी। वहीं पास में खड़ी लूसी की सहेलियाँ मही को देखकर बहुत चिढ़ रही थी। वड़ा पाव खाने के बाद मही ने कहा, लूसी, वड़ा पाव बहुत स्वादिष्ट बने हैं। ऐसा स्वाद चखने के बाद में अगर मैंने इसकी सही कीमत नहीं दी तो मुझे खुद अच्छा नहीं लगेगा। ये कहती हुई मही ने बहुत सारे पैसे लूसी को दिए। वे दोनों आपस में फुसफुसाने लगे। अरे ये क्या, कुछ समय पहले ये कैसे बात कर रही थी और अब कैसे बात कर रही है, मेरी तो समझ में ही नहीं आता। मही, मैं फिर आऊंगी, ऐसा कहकर वहाँ से चली गई। दोस्त, ये सब क्या है? कुछ समय पहले उसने ऐसे कहा और अभी अभी तुम्हें इतने सारे पैसे देकर गई। हमारी तो समझ में कुछ नहीं आ रहा। दरअसल वे दोनों इस गांव के मुखिया हैं। उनके पति हर व्यापार करने वालों के पास से जबरदस्ती हफ्ता वसूली करते हैं। उनकी पत्नी मही उनके सामने डांट फटकार कर पैसे तो ले लेती है, पर वापस आकर किसी न किसी तरीके से पैसे लौटा देती है। पति के पूछने पर ये कहकर उन्हें चुप कराती है कि दान धर्म में उन्होंने पैसे खर्च दिए। उनके पति की नीयत अच्छी नहीं है। इस बात को लेकर उन दोनों में कई बार झगड़े होते हैं कि इस तरह जबरदस्ती किसी की मेहनत की कमाई नहीं लेते, पर पति तो मानता नहीं। अरे रे, गलती हो गई, इतनी नेक चील के बारे में हमने कितना गलत सोचा। उन दोनों को बहुत बुरा लग रहा था। खैर छोड़ो, बताओ तुम दोनों का यहाँ कैसे आना हुआ, क्या कोई खास बात है? वैसे खास बात तो कोई नहीं, तुम वड़ा पाव का व्यापार करती हो ना, सोचा हम भी ये काम कर लेते हैं और तुम्हारे पास सीखने आए थे, सोचा हम भी अपने गांव में ये व्यापार शुरू करेंगे। हाँ, इस बढ़ती हुई महंगाई में किसी एक के कमाने से अब घर नहीं चलता। अरे इतनी सी बात, 2 दिन लगातार यहाँ पर आया करना, मैं क्या कैसे करती हूँ देख लेना। यूँ तय कर अगले दिन से दोनों दिन भर लूसी के पास खड़े होकर वो वड़ा पाव कैसे बनाती है, ग्राहकों से कैसे बात करती है, ये सब ध्यान से देखने लगे। 2 दिनों में ही दोनों ने वड़ा पाव बनाना सीख लिया। दोस्त, तुम्हारा बहुत आभार, तुमने हमें अपना काम सिखाया, हम ये तुम्हारा उपकार कभी नहीं भूलेंगे। अब हम लौट कर अपना व्यापार शुरू कर लेते हैं, एक बार व्यापार हमारा अच्छे से जम गया तो आकर तुमसे जरूर मिलेंगे। उसका आभार मानकर वे जब जा रही थी तब लूसी ने पीछे से आवाज लगाई, दोस्तों अपना ध्यान रखना। जाते जाते दोनों सहेलियों ने मुड़कर कहा कि हाँ वो अपना ध्यान रखेंगे। फिर वे दोनों अपने अपने गांव पहुंचकर वड़ा पाव का व्यापार शुरू कर लेते हैं। दोनों की बहुत अच्छी कमाई होने लगी। केवल 1-2 महीने में ही उनका व्यापार बहुत अच्छे से जम गया। वड़ा पाव के व्यापार में दोनों को इतनी अच्छी विजयी हासिल होने पर वे दोनों अपनी सहेली लूसी कबूतर से मिलने आए।
दोस्त, आज तुम्हारी ही वजह से हमारा व्यापार बहुत अच्छे से चलने लगा है। ये कहकर दोनों ने कुछ पैसे लूसी को दिए। नहीं दोस्त, मैं तुमसे ये पैसे लेकर अपने दोस्ती का अपमान नहीं करना चाहती। मैं भी तो यही चाहती हूँ कि तुम दोनों भी बहुत खुश रहो। इस पर डोरा बोली, दोस्त हम बहुत खुश हैं। वैसे भी ये पैसे हम तुम्हें ऐसे ही नहीं दे रहे हैं। हमें वड़ा पाव बनाना तुमने सिखाया है, यानी तुम हमारे गुरु हो, तो गुरु की दक्षिणा तो बनती है ना। कहते हैं कि अगर गुरु दक्षिणा ना दी जाए तो बरकत नहीं रहती। ऐसा कहकर उन दोनों ने जबरदस्ती लूसी को पैसे दे दिए। फिर वे दोनों अपने अपने गांव लौट गए। लूसी कबूतर इस बात से बहुत खुश थी कि अब उसकी सहेलियां भी अपने काम में आगे बढ़ रही हैं। इस तरह तीनों सहेलियां अपने अपने वड़ा पाव के व्यापार में खुशी खुशी आगे बढ़ रहे थे।